मैं सुनीता वर्मा और आप देख रहे हैं क्वाइट नेटिव मील्स। आज मैं आपके लिए क्या बनाने जा रही हूँ? आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ दही बड़े। तो पहले मैं खा के बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं, उसके बाद मैं बताऊंगी कि ये कैसे बने हैं और क्यों बनाया है मैंने। तो चलिए जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं कि कैसे बने हैं। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है ये बड़े, इतने अच्छे बने हैं कि बिल्कुल रूई के तरीके मुंह में घुल गए हैं। बहुत ही ज्यादा टेस्टी बने हैं। देखिए फेस्टिवल आ रहा है और फेस्टिवल के लिए आप ये दही बड़े की रेसिपी ट्राई कर सकते हो। आप सच मानिए बहुत ही अच्छे बने हैं, चाहे आप किसे होली बनाइए या फिर दिवाली, कभी भी बनाकर खाइए, बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं। तो अगर इसकी रेसिपी सीखनी है तो इसके लिए आप वीडियो पूरा देखिए, पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये बढ़िया सी टेस्टी सी दही बड़े की रेसिपी। देखिए दही बड़े बनाने के लिए मैंने कम से कम 4 से 5 घंटे पहले ये उड़द दाल को पानी भिगो दिया था। अब मिक्सी के जार में ले लिया है और इसमें मैं नमक डाल दूंगी, स्वाद के अनुसार नमक डालूंगी। साथ में ही मैंने ग्रेटेड अदरक डाल दी है, 1 इंच अदरक है, और इसी के साथ मैं ये 2 हरी मिर्च इसके अंदर डाल दूँगी। इसके बाद इसको हम पीस लेते हैं और पीसते समय अगर ज़रूरत लगे तो 1-2 चम्मच पानी डाल दीजिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा ठीक। लेकिन अगर आपसे ज़्यादा हो जाता है तो इस जगह पे आप थोड़ा सा बेसन डाल दीजिएगा और उसको भी अच्छे से फेंट लीजिएगा, जैसे कि मैं इस दाल को फेंटने जा रही हूँ। तो जब बेसन डाल देंगे तो उसी के साथ वो भी फट जाएगा। तो मैं दाल को अच्छे से फेंटूँगी जब तक कि इसका थोड़ा सा कलर ना चेंज हो जाए और ये थोड़ी सी फुली फुली सी ना हो जाए ठीक। तो चलिए इसे अच्छे से फेंट लेते हैं। तो आप देखिए कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, अब इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे, ऑप्शनल है, अगर इस समय नहीं डालना चाहते तो मत डालिए, लेकिन बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसलिए डाल रही हूँ। हरी मिर्च काट के भी डाल सकते हो या फिर दाल के साथ पीस भी सकते हो। तो ये देखिए ये मैंने इसमें हरी धनिया और साथ में हींग डाल दिया। अच्छा हींग डालना ना दही बड़े में बहुत ज़रूरी होता है, जिससे क्या होगा ये दही बड़े अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएंगे ना, इसलिए डालना बहुत ज़रूरी होता है। जितना भी फ्राई आइटम बनाएं आप उसमें ज़रूर डालिएगा। तो ये देखिए अच्छे से फिट भी गई है और अच्छे से फूल भी गई है। नमक मैंने पहले ही डाल दिया था। अब देखिए मीडियम आंच पे मैंने तेल गरम कर लिया और इस तरीके से उठाएंगे और धीमे धीमे डालते जाएंगे। मीडियम आँच पर ही गैस को रखिएगा और इस तरीके से डालते जाइएगा। अच्छा आप चाहो तो इसी तरीके पकौड़ों के तरीके भी खा सकते हो या फिर मेरी तरह दही बड़े बनाकर खा सकते हो। एक बड़े से आप कई सारी रेसिपीज़ बना सकते हो, तो आपके ऊपर है कि आप कौन सी इससे रेसिपी बनाना चाहते हैं। बड़ा सांभर बनाना चाहते हैं दही बड़े, या पकौड़ों के तरीके खाना चाहते हैं, या फिर कुछ भी जो भी आप खाना चाहते हैं, तो इस एक बड़े से कई सारी आप रेसिपी बना सकते हैं। तो ये देखिए एक बार में जितने आ गए मैंने डाल दिया है। अब देखिएगा जैसे जैसे ये पकते जाएंगे ना, अपने मन से धीमे धीमे देखिए घूमते जा रहे हैं, है ना, घूम गए ना। तो थोड़ा सा नीचे से पक जाने देते हैं, फिर इसके बाद चलाइएगा। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया है कि तुरंत डालने के बाद आप इसे मत चलाइए, इससे क्या होगा कि गीला होने के कारण आप किसी चम्मच से चला रहे हैं इसको उसमें चिपक जाएगा। देखिए कैसे अपने मन से घूमने जा रहे हैं। अब बीच में ऐसे करेंगे और हल्का हल्का ऐसे करते जाएंगे ना, तो बड़े बढ़िया से गोल गोल से बनकर तैयार होंगे और अपने मन से ये घूमते जाएंगे। तो हल्का सा बस इसी तरीके से चलाते हैं ये, और जो नहीं पलटे हैं उनको आप धीमे से अपने स्टाइल से पलट दीजिए, लेकिन पलट दीजिए कि दोनों ही साइड से, मतलब सारी साइड से ये बहुत ही अच्छे से पक जाए ठीक। तो ये देखिए ये मैंने पलटा दिया है, सारे पकौड़ों को अच्छे से पलटा दिया है। ये देखिए थोड़ा सा चिपक गया ना गीला होने के कारण चम्मच में, इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि गीले में आप मत छुइएगा ठीक। तो ये देखिए फिर से मैं एक बार चला दे रही हूँ। अब इसके आगे का प्रोसेस बताती हूँ जब तक कि ये इसको पकने दीजिए। तो एक बाउल में मैंने क्या किया, पानी ले लिया है और इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी डाल ली है और उसे फेंट लिया था, मिक्स कर लिया है जिससे चीनी अच्छे से घुल जाए। और अब ये दही लिया है, दही को मैंने इसमें थोड़ी सी ये देखिए शुगर ऐड कर दी है, थोड़ी सी इसके साथ भी कर देती हूँ ना तो बढ़िया बनेंगे।
अब इसको अच्छे से फेंट लेना है। अच्छा आप कहोगे कि मिक्सी में भी चला लेते हैं, मिक्सी में चलाने के बाद ना मुझे लगता है कि ये ज़्यादा दही गाढ़ा नहीं रह जाता, बिल्कुल थोड़ा सा पतला पतला हो जाता है, इसीलिए मैं हाथ से फेंट रही हूँ जिससे बढ़िया सा ये थिक भी रहे, और बड़े में तो थिक दही बहुत अच्छा लगता है ना। तो अब मैं इसमें भुना हुआ जीरे का पाउडर डाल रही हूँ, अच्छी खुशबू आएगी और साथ में टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसके साथ फेंट लिया है और ये दही बड़े अच्छे से दही अच्छे से फिट गया है। तो इसको रखते हैं साइड में। चलिए फिर से अपने बड़ों को चेक करते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे गोल्डन कलर के सिक गए हैं। ठीक, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने सारे निकाल दिए हैं और दूसरे बड़े में इसमें डाल दूंगी। तो पहले मैं आपको इतने दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखिए बहुत ही अच्छे बड़े बन गए हैं। और अब चलिए जो शुगर वाला हमने पानी बनाया था ना उसमें ये डिप कर देते हैं। तो ये रहा पानी और इसमें डाल देंगे, गरम गरम ही डालिएगा, क्या होगा कि ये जल्दी से पानी सोख लेगा और बड़े सॉफ्ट रहेंगे। ठीक, तो इसी तरीके मैं और भी इसमें डाल देती हूँ। तब तक के लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि थोड़े से और बना के फिर मैं डालती हूँ। एक चम्मच से चला देती हूँ, मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा पानी इसमें और बढ़ा देती हूँ क्योंकि मैं अभी और भी बड़े बनाऊँगी। देखिए मैंने पानी बढ़ा दिया था, मतलब पानी और शक्कर बढ़ा दी थी, और ये देखिए इतने सारे मैंने दही बड़े बना लिए। अब डालने का तरीका देखिए, पहले ऐसे थोड़ा सा दबाएंगे जिससे पानी इसका निकल जाए और इस बड़े को उठा के इस दही में डाल देंगे। तो इसी तरीके से मैं सारे दही बड़े डाल दूंगी, जितने भी आपको इस समय खाने हैं उतने डाल दीजिए। अच्छा मैंने कांजी बड़ा आपको बताया था ना, इस तरीके से आप वो कांजी बड़ा भी बना सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। तो इस समय तो मैं ये दही बड़े बना रही हूँ, जो आपके फेस्टिवल है ना, होली आ रहा है, होली पे भी बना लीजिए या फिर दिवाली पे बना लीजिए, या आपका जब भी मन करे तब आप इस दही बड़े की रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, या फिर जब भी मन खाने का हो तब आप बनाइएगा, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए ये मैंने डाल दिया है और इसको क्या करते हैं, हल्का सा चम्मच से चला देते हैं, बिल्कुल हल्का सा ही चलाएंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से चलाइएगा क्योंकि बड़े इस समय बहुत ही सॉफ्ट है। अच्छा पानी में कितनी देर भिगोना है, पानी में 5 मिनट उनको भिगो दीजिए, बस बहुत रहेगा, है ना। तो ये देखिए ये हो गया, अब इसको हम ढक के कम से कम 5 मिनट के लिए रख देते हैं कि दही जो है इसके बड़ों के अंदर चला जाए। इसके बाद चलिए प्लेट लगा लेते हैं। तो प्लेट में क्या करते हैं, देखिए एक कटोरी ली हुई है मैंने और ये बड़े रख लेते हैं। अच्छा आप चाहो ना इस समय जहाँ पे मैंने दही में शुगर ऐड की थी इस जगह पे आप नमक ऐड कर दीजिएगा, तो नमकीन वाले आपके दही बड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। जो मैंने आपको कांजी बड़े में बनाना बताया था ना, उस तरीके से आप बना सकते हो। ये तो मैंने आपको मीठे वाले बनाने बताए हैं जो थोड़े से मीठे रहेंगे और नमक के कारण हल्के से नमकीन, मतलब अच्छा टेस्ट आने वाला है कुल मिला के। अब इसके ऊपर से मैं ये तीखी सी चटनी डाल दूँगी, हरी वाली चटनी। लाल चटनी भी मैंने डाली है जिसका वीडियो मैं शूट करना भूल गई, और ऊपर से मैंने लाल मिर्च और ये भुना हुआ जीरे का पाउडर डाला है। तो कैसी लगी आपको ये दही बड़े की रेसिपी, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आप इंजॉय कीजिए, मैं भी इंजॉय करती हूँ।